चलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन मिला है मेंसुरेशन का। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये चैप्टर है अपने मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमें सिलेंडर जो बना है इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो मैं पहले बता दूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से हाइट हमें हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें रेडियस नहीं दिया, हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। हमें दिया है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस जो सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर बेस, अगर हम बेस देखें उसका बेस होता है सर्कल, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। हम वही लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस होता है 2πr, और सर्कमफेरेंस होता है 2πr। सर्कमफेरेंस दिया है 132 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस r। इसको ट्रांसपोज करके हम रेडियस निकाल लेंगे कि 132 इंटू 7 और अपॉन में 2 इंटू 22 इक्वल टू रेडियस। ये रेडियस आया हमारा, काटते हैं इसे, ये कटेगा 66 टाइम्स में और ये कटेगा 3 टाइम्स में। 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस। ये हमारा आगे क्या, रेडियस। हम बस इस रेडियस की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रखनी है, हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 आप सब जानते हैं, रेडियस की वैल्यू हमने निकाल लिया 21 है, 21 रखेंगे, 21 इंटू 21 और हाइट हमारा 25, बस वो वैल्यू रखेंगे, ये 3 टाइम्स में कट आउट होगा, ये आएगा 22 इंटू 3 होता 66 इंटू 21 इंटू 25। ये वैल्यू रखने पर हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4, 6, 5, 0 और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर में दिया है, तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमारा आंसर होगा।